करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रामलाल ठाकुर ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रामलाल ठाकुर के साथ विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस सुखविंदर सिंह सुखू, चुनाव समिति उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सुरेश चंदेल के साथ विधायक राजेंद्र राणा, सतपाल रायजादा भी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ऋचा वर्मा के पास रामलाल ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रामलाल ठाकुर ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रामलाल ठाकुर के साथ विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस सुखविंदर सिंह सुखू, चुनाव समिति उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सुरेश चंदेल के साथ विधायक राजेंद्र राणा, सतपाल रायजादा भी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ऋचा वर्मा के पास रामलाल ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र भरने के बाद रामलाल ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल पहले वायदे किए थे पर वे सारे झूठ निकले हैं। रामलाल ठाकुर ने सुरेश चंदेल के कांग्रेस में आने पर कहा कि सुरेश चंदेल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस में आने पर जरूर इजाफा होगा। मेंबर पार्लियामेंट हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहे, वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा दें कि क्या उनको जो है वो बिलासपुर सदर में या बिलासपुर जिला में आप सोचते हैं कि वो यहीं के नेता हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी हर जिला में तो पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो उनके कार्यपति, उनके वर्कर हैं, उनकी पार्टी के जो लोग जो उन्होंने जिनके साथ काम किया हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बाई एंड लार्ज नुक एंड कॉर्नर तक जो है वो सुरेश चंदेल जी का अपना एक नाम है। उनके पार्टी में आने से मैं ये कहूँगा कि पार्टी को मजबूती मिलेगी और इस चुनाव में मैं कहूँगा कि जो थोड़ी मोटी कहीं पे आशंका जाहिर अगर कर रहे हैं तो वो आशंका जो है अब दूर होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के फिर से बेतुके बयान देने पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि सत्ती के बार बार अपशब्द कहे जा रहे हैं जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत्ती इतने बौखला गए हैं कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या कहना है। उन्होंने कहा कि सत्ती बाजू काटने की बात कर रहे हैं जिसे सत्ती की मानसिकता का पता चल रहा है। अगर मान लो प्रदेश के जो पार्टी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो अगर यहाँ पे नालागढ़ में भी उन्होंने जो है राहुल गांधी जी को वो गालियाँ निकाली, वो अपशब्द कहे जिनको मैं स्पेल आउट नहीं कर सकता, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। वहाँ पे महिलाएं भी थी, वहाँ पे नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन वो जिस मैं कहूँगा कि जिस हताशा से उन्होंने वहाँ पे लोगों को संबोधन किया, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा उन्होंने क्या किया, राधा स्वामी जो बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो नशाखोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में जिनके जो है वो सत्संग हो रहे हैं, उनको भी कह दिया कि चुनाव में वो जो मुर्गे और दारू के लिए वो भी पैसा मांगते हैं। तो मैं कहूँगा उनकी मानसिकता जो है वो आप ही हिसाब लगा लें कि जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो इतना बौखला गया है कि उनको यही पता नहीं लग रहा है कि उन्होंने क्या कहना है क्या नहीं कहना है। उसके बाद अभी कल उन्होंने फिर कह दिया जो मोदी के खिलाफ उंगली उठाएगा उसका बाजू काट दूंगा। अरे आप अच्छे प्रधान हैं, आप बाजू काटने की बात कर रहे हैं। ये इस प्रकार की मानसिकता जो है, मैं ये कहता हूँ कि इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। वहीं रामलाल ठाकुर ने जिला बिलासपुर और ऊना में अधिकारियों का बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग की धज्जियां बीजेपी सरेआम उड़ा रही है, और कहा कि आईपीएच विभाग में हमीरपुर में अधिकारी बैठा है तो ऊना में भी ऐसा ही है और ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है जिसे सहन नहीं किया जाएगा। इज फंक्शनिंग एज एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पे उनकी कार्यपद्धति से, और जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि लोकल ऑफिसर वहाँ पे नहीं रहेंगे, अखबारों में भी उनका नाम आया था, एक अधिकारी और सब का भी नाम आया था कि वो क्योंकि इज ए वोटर ऑफ हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। वो मैं कहूँगा कि जब अनुराग ठाकुर जी दौरे पे जाते थे तो डीसी जो है वो उनके दौरे के साथ डीसी फंड जो है वो एमपी के कहने से उन्होंने बांटा। और आज की तारीख में भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आदेशों की, ये मैं कहूँगा कि जब तक वो डीसी वहाँ पे रहेगा तो मैं कहूँगा ये तो चुनाव को रिग करने की बात है। आप हमीरपुर में देख लीजिए, एक अधिकारी है आईपीएच में, वो 6-7 सालों से यहाँ बैठा हुआ है,
ही इज ऑल्सो वर्किंग फॉर बीजेपी। ऊना में जो है अधिकारी हैं वो लोकल बैठे हुए हैं, वो सारे मैं कहूँगा कि राज्य सरकार के इशारे के ऊपर जो है दे ऑल आर ट्राइंग टू रिग दिस इलेक्शन बट विल नॉट अलाउ इट। मेंबर पार्लियामेंट हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के रहे हैं, वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा दें कि क्या उनको जो है वो बिलासपुर सदर में या बिलासपुर जिला में आप सोचते हैं कि वो यहीं के नेता हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी हर जिला में पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो उनके कार्यपति उनके वर्कर हैं, उनकी पार्टी के जो लोग जो उन्होंने जिनके साथ काम किया हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाई एंड लार्ज नुक एंड कॉर्नर तक जो है वो सुरेश चंदेल जी का अपना एक नाम है। उनके पार्टी में आने से मैं ये कहूँगा कि पार्टी को मजबूती मिलेगी, और इस चुनाव में मैं कहूँगा कि जो थोड़ी मोटी कहीं पर आशंका जाहिर अगर कर रहे हैं तो वो आशंका जो है अब दूर होगी। नामांकन अवसर पर पहुंचे पूर्व सांसद एवं चुनाव समिति उपाध्यक्ष सुरेश चंदेल ने कांग्रेस के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पर धन्यवाद किया और कहा कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाएगा। वहीं सुरेश चंदेल ने बीजेपी में मान सम्मान पर कहा कि बीजेपी में जरूर मान सम्मान मिला है, लेकिन पिछले दो सालों अपेक्षा की जा रही थी जिसके चलते ही मजबूरन कांग्रेस में जाना पड़ा है। बीजेपी में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिली प्रताड़ना के चलते कांग्रेस में जुड़ना पड़ा है। मान सम्मान की बात है, मैंने पार्टी में लंबे समय काम किया है, मैंने सुदूर पांगी तक संगठन को खड़ा किया है, अपना पूरा जीवन नौजवानी का लगाया है, मुझे पार्टी ने निश्चित तौर पर सम्मान दिया। लेकिन पिछले लगभग दो साल से डेढ़ साल से जो पार्टी का उपेक्षा का भाव चल रहा था और पार्टी ने लगभग मुझे ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया था कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के इशारे पर पूरे यहाँ के सिस्टम को एकदम जाम कर दिया था, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो उसका क्षोभ मुझे ज़रूर था। और मैं अपने आप को अब सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, जिसका देश की आज़ादी के आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है, जिसने सुभाष चंद्र बोस जी नेहरू जी जैसे महान नेताओं के इस देश में, गांधी जी जैसे नेता हुए हैं, लोकमान्य तिलक जैसे नेता हुए हैं, और जिस पार्टी के दो दो लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ बलिदान दिया, ऐसी पार्टी से जुड़ने का मुझे सौभाग्य महसूस। कार्यक्रम में वक्त चला एक ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।